नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा। मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। तेंदुखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत विकोर और रायसेन जिले की ग्राम पड़रिया को जोड़ने वाला लगभग 16 करोड़ की लागत से बनने वाला सेतु निगम चढ़ रहा भ्रष्टाचार की भेंट। श्री मंगलम कॉन्ट्रैक्शन जो कि गुजरात की कंपनी है, नरसिंहपुर जिले में आकर कर रही भ्रष्टाचार का कार्य। सेतु निगम के निर्माण किए खम्बे जो निर्माण किए जा चुके थे, बारिश के पानी में हो गया तिरछी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें, श्री मंगलम कॉन्ट्रैक्शन की जहां पर मशीन लगी हुई है, वहां पर पड़ी गिट्टी एवं मिट्टी मिलमा रेत साफ उजागर कर रही है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको एक बड़ी बात बता दें, श्री मंगलम कॉन्ट्रैक्शन द्वारा नदी में पड़ी हुई रेत एवं बजरा को खनिज विभाग को सूचना दिए बगैर उठाकर भ्रष्टाचार से निर्मित हो रहा सेतु में लगा रहा है। खनिज विभाग को भी लगाया जा रहा है चूना। प्रशासनिक आला अधिकारियों से निवेदन है कि जनता के हित में बनने वाला 16 करोड़ की लागत का सेतु निगम के कार्य की गुणवत्ता की जाँच की जाए, नहीं तो बाहर से आई हुई कंपनी जनता के हित के पैसों में अपना मुँह मार कर चली जाएगी और भ्रष्टाचार से बना सेतु निगम कुछ ही सालों में धराशायी हो जाएगा। जब इस मामले को लेकर ठेकेदार से बात करना चाहा तो ठेकेदार ने राजनीतिक कद्दावर नेताओं को बीच में होना बताया। श्री मंगलम कंस्ट्रक्शन खुद को भ्रष्टाचार कर रही है और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कर रही बदनाम। नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश से निवेदन है, कृपया कर श्री मंगलम कॉन्ट्रैक्शन कंपनी की उचित जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त श्री मंगलम कंस्ट्रक्शन कंपनी पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, नहीं तो ऐसी भ्रष्टाचार कर। ये डैम कहाँ पे बन रहा है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट से नरसिंहपुर। कितनी लागत की लागत डैम का? ये 16 करोड़। कितने करोड़? 16 करोड़। अभी काम कितने परसेंट हो पाया आपका? 5% हुआ है। यहाँ पे जो पिलर बना है, ये तो आपके तिरछी अच्छी होने लगे। वो तो कहाँ, अभी तो 10 फुट ही नहीं गया ना, 30 मीटर जाने वाला है। नहीं तो उसके बाद वो तो पूरा तिरछा हो गया, पूरी नदी आई तो इसीलिए तो टेढ़ा ही हुआ है। जब इतनी सी पहली बारिश में तिरछा हो गया है तो अब आगे बारे जब तेज बारिश होगी डैम बन जाएगा, फिर कुछ नहीं, टूट ही गया है, 30 मीटर जाएगा। और ये अभी वो यहाँ पर नदी में रेत लगी हुई दिख रही है, तो आप कोई रेत भी देख लो, आप रेत यहाँ पे कोई लगती नहीं है। कई जगह ढेर लगी हुई, वहाँ से रेत उठी हुई है और यहाँ पर भी पिलर में दिखाई दे रही है। ले नहीं जा रहा है, यहाँ गाँव वाले ले जा रहे हैं, गाँव वाले को हम कुछ बोल नहीं सकते, पता है। आप कहाँ से बुला रहे? बाहर के गाँव वाले ले जाते हैं। तो आप कहाँ से रेत बुला रहे? हम वहाँ संजू भैया का कोई है, वहाँ से रेत आती है हमारी। क्या विधायक जी आपको रेत पहुँचा रहे हैं? क्या विधायक जी, कहाँ से रेत आती है आपकी? विधायक मतलब क्या है, उनका कोई रिश्तेदार के वहाँ से आ रही है। उनके यहाँ ठेका ही नहीं है? वो तो कोई रिश्तेदार का होगा, पता नहीं है मेरे को। अभी कितनी रेत बुला चुके आप? अभी तो ज़्यादा नहीं आई है, अभी फिलहाल 5% आई है रेत। इसकी रॉयल्टी है आपके पास? हाँ, रॉयल्टी सब है, बिल बिल सब। सर, तेंदुखेड़ा तहसील में जो बंगाली इलाज रहते हैं, जैसे बिलहरा, पीपरवानी, जो भी बिजोरा, तिलंगवा, बगैर मास्क नहीं, कोई अथॉरिटी है फिर भी जनता का इलाज कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई है? ये आपके द्वारा अभी मेरे को जो जानकारी मिली है बंगाली डॉक्टरों के बारे में, तो इन पे अभी आने वाले समय में 1-2 दिन में जाकर इनका भ्रमण करके सभी इनकी क्लिनिक की जांच करी जाएगी, और जो गैर कानूनी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनकी। चरण पात किस गांव के निवासी हैं? ग्राम पंचायत की करवाने। आपके गांव में ये बंगाली डॉक्टर कब से इलाज कर रहा है? तो जब से आया कर रहा है। लगभग कितने वर्ष? हमें तो ध्यान नहीं है, हम तो यहीं पर देखा है। लगभग समय हुआ कितने वर्ष? 25 वर्ष से तो ऊपर ही। तो उनके पास कोई डिग्री वगैरह है कोई जांच? अभी तो अपन ने नॉलेज नहीं किया। उनके इलाज में कोई दिक्कत आई? अभी तक नहीं आई। क्या नाम है, किस पद पर हैं? मैं ग्राम पंचायत सचिव रामपुरा। नाम? भगवान दास पटेल। आपकी ग्राम पंचायत में कितने बंगाली डॉक्टर? सिर्फ एक, रामपुरा टोला भी बना टोला है वो, बना टोला में वो कम से कम 15-20 साल से हैं। कैसा क्या है उसका? नहीं वो तो डॉक्टर ही बता रहे हैं। दूसरी बात जाए ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है वो उसमें रेत लगाई जा रही है सर, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है सर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? आपने ध्यान दिलाया है कि वहाँ पर पुल में इस प्रकार की जो है कमियाँ महसूस हो रही है, निश्चित ही मैं कलेक्टर सर को
और वरिष्ठ जन जो हैं तकनीकी संबंधित विभाग के उनको अवगत कराऊंगा और जो है जनता के लिए बनने वाला पुल जो है जनता के लिए सरकार ने जो है इतना महत्वपूर्ण पुल बनवा रही है वो सही बने इसके लिए पूरी पहल की जाएगी। सर सेतु निगम जो कि 16 करोड़ रुपए की लागत से और जनप्रतिनिधि द्वारा ध्यान अगर नहीं दिया जाए उस विभाग द्वारा अगर ध्यान नहीं दिया गया सर उसके लिए तो वो निश्चित ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा सर। बिल्कुल भेंट नहीं चढ़ देंगे भ्रष्टाचार की, चिंता मत करिए आप। हम जो है जनता के लिए और जो सरकार वहाँ इन्वेस्ट कर रही है वो सही तरीके से हो और सही बने इसके लिए पूरा प्रयास